डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साइंस में एक फिजिक्स का चैप्टर को शुरू किए हैं जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। हम लोगों ने नेत्र के बारे में पढ़ा, उसके बाद समंजन क्षमता हम लोग टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। इस समंजन क्षमता में हम लोग ये भी पढ़े कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट दिखने के लिए, स्पष्ट दिखाई देने के लिए जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर के आप नज़दीक लाकर किसी भी वस्तु को रखते हैं, आपको धुंधला नज़र आएगा। जैसे कि हम आपको लिखवाए भी थे कि किसी भी किताब में छपा हुआ छोटे अक्षरों को अगर आँख के बिल्कुल नज़दीक लेकर आके आप उसको देख पाएंगे तो आपको वो धुंधलापन नज़र आएगा, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर से कम है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर का मानव नेत्र जो है वो अल्पतम दूरी, यानी अल्पतम का मतलब निकटतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। चलिए उसके आगे हम लोगों को एरो कुछ बच गया था समंजन क्षमता में, उसके नेक्स्ट एरो लिखेंगे वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। देख लीजिए, यहाँ पे बोला क्या कि अगर मान लिया जाए कि ह्यूमन नेत्र है, अगर मेरा मानव का नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक देख सकता है, अधिकतम दूरी अगर यहाँ तक देख पाते होंगे तो हमारे लिए अधिकतम दूरी ये हो गया, दूरबिंदु हो गया। यानी कि मानव नेत्र जिस अत्यधिक दूरी तक के अगर देख पाती है उसको दूरबिंदु कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, यानी कि हम अनंत तक के देख सकते हैं, और कम से कम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र के लिए जो अल्पतम दूरी है, निकटतम दूरी है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। एकदम एग्जाम में पूछता है कि मानव नेत्र का निकटतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितना होता है, तो इसके लिए अधिकतम दूरी होता है अनंत। लिखा जाए नेक्स्ट एरो, मानव नेत्र का दूर बिंदु, मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे। ये तो समझ गया ना, मानव नेत्र का अधिकतम या दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। आप ऐसे सोचिए ना कि अनंत पे रहते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब अनंत हैं, कई किलोमीटर दूर हैं, आप उनको देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव नेत्र का जो अधिकतम दूरी है अनंत है, लेकिन न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के नेत्र का कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस लिखा हुआ यहाँ पे देख लीजिए, क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं।
चलिए, एक रोग है जिसको बोलते हैं दोस्तों मोतियाबिंद रोग, ठीक है। अक्सर आप इसका नाम सुने होंगे कि बूढ़े लोग अगर आपके यहाँ होंगे, दादी बाबा लोग, तो वो एक्चुअली मोतियाबिंद का ऑपरेशन ज़रूर करवाए होंगे अगर उनका ये प्रॉब्लम हुआ होगा तो। यानी कि मोतियाबिंद का नाम आप ज़रूर सुने होंगे। आज वही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर मोतियाबिंद क्या है। हमेशा सबसे पहले मोतियाबिंद के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये अधिक आयु के उम्र के लोगों को होता है, लगभग 55, 60, 70 के लोग आयु के बीच से ये रोग शुरू होना होता है। आप टेंशन लेना छोड़ दो, अभी आपको मोतियाबिंद नहीं होगा। यानी कि मोतियाबिंद तभी होगा जब आपकी आयु अधिक होने हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी आयु, ठीक है। यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा अगर आपकी आयु हो जाएगी तभी आपको मोतियाबिंद होगी। अब अगर मोतियाबिंद का लक्षण क्या है, तो जो हम लोगों का आँख होता है, आँख का बीच का ये काला जो भाग रहता है, इधर सफ़ेद है और ये बीच में काला है, और आपको पता होना चाहिए यही काला भाग से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। यही काला भाग से हम लोग देख पाते हैं, समझ में आ रहा है, वरना हम लोग देख नहीं सकते हैं अगर ये काला भाग नहीं हो तो। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो इसी जो काला भाग है ना, इस पर दूधिया रंग का यानी कि व्हाइट कलर का माड़ी छा जाता है, ठीक है। ये बहुत प्रोसेस कम होता है, धीरे धीरे होता है, पहले थोड़ा सा माड़ी जैसा आएगा, फिर होते 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 पूरा काला वाला का ढक लेता है। यानी कि बोला जाए तो मोतियाबिंद जो है अधिक आयु के लोगों में होता है। दूसरा कि इसमें जो काला वाला भाग होता है इस पर दूधिया रंग का माड़ जैसा छाने लगता है, और इसी के वजह से उन्हें धुंधला दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ व्यक्तियों के नेत्र में जो अधिक आयु के होते हैं उनका जो लेंस होता है, यानी कि हम लोग पढ़े भी हैं कि हमारा नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो यही उत्तल लेंस यानी कि क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप चश्मा पहनते हैं, ठीक है, अगर चश्मा पहनते हैं, ये आपका चश्मा है, ठीक है, अब ये चश्मा आपको दूधिया रंग का है, मतलब धुंधला, आपको अगर हम कुछ कुछ लगा दें इस पे और फिर आप देख पाएँ तो आपको धुंधला नज़र ऐसे ही आएगा। यानी कि अगर शीशा फ्रेश रहेगा तब ना आपको साफ साफ क्लियर नज़र आएगा, अब शीशा ही खराब है। इसीलिए होता क्या है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, और उसी उत्तल लेंस पर ये माड़ी जैसा छाने लगता है, उसी लेंस पर, यानी लेंस के आगे ऊपर माड़ी जैसा छाने लगता है, और फिर हम देख नहीं पाते हैं, यानी कि बहुत धुंधला दिखाई देता है। तब हम इस प्रोसेस को, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। मोतियाबिंद के बारे में एक और चीज़ें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि मोतियाबिंद दोस्तों, मोतियाबिंद का जो उपचार, पहले तो हम लोग समझें कि मोतियाबिंद होता कैसे है। तो ये अधिक आयु के लोगों में अनिवार्य है, अधिकतर 90% केस में अधिक आयु जिनकी 70, 80, 90 वर्ष के होते हैं उनको मोतियाबिंद हो ही जाता है, ठीक है। तो अब हो गया, लेकिन अब ठीक कैसे होगा, है ना। तो मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए कोई भी दवा खाकर आप ठीक नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोतियाबिंद का जो इलाज है ओनली और ओनली ऑपरेशन है, ठीक है। इसलिए आप देखते भी होंगे कि आँख का, नेत्र का जो ऑपरेशन मोतियाबिंद का होता है, कहीं कहीं सरकार भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार की सहायता से करवाती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कोई एक डॉक्टर फिक्स करती है किसी जगह पे, और फिर प्रचार कर दिया जाता है कि सरकारी डॉक्टर बैठने वाले हैं, और जिन लोगों को मोतियाबिंद हुई है या उनको चेकअप कराना है, ऑपरेशन करवाना है, वो जल्द ही जल्द आप उनके सेमिनार में चले जाएँ और वहाँ ऑपरेशन करवा लें, और फिर उनको काला चश्मा दिया जाता है ऑपरेशन के बाद, ताकि तब तक कड़ा जो धूप है, धूप का प्रकाश उनके आंखों पे न पड़े। तो इसके लिए, और खासकर ऑपरेशन के बारे में जानते ही हैं कि ठंडे दिनों में की जाती है, तो उसी तरीके से मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी प्रायः ठंडे दिनों में ही किया जाता है, ताकि आंख पर कोई अलग इफेक्ट न पड़ पाए।
तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोतियाबिंद का तो होता कैसे, उसका पहचान क्या है, ये सब हम लोग सीखे। लेकिन मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए आपको कोई बोलेगा कि मोतियाबिंद का इलाज बताओ, तो आप बताइए कि मोतियाबिंद का इलाज खाली ऑपरेशन से ही उसको हटाया जा सकता है। और ऑपरेशन में डॉक्टर करते क्या हैं, ये दोनों आँख को ऐसे फाड़ते हैं, उनके पास सब इंस्ट्रूमेंट होता है, पकड़ने वाला होता है, तो दोनों आँख की जो पुतली, आप सोते हैं तो ये ब्लैक वाला ढक जाता है और ऐसे करके आप सो लेते हैं, तो आप वो जो पुतली है उसको फाड़ दिया जाता है औजार से, और उसके ब्लैक वाला पे जो माड़ी रहता है उसको लाइट देकर, और एक औजार आता है उसको बहुत नॉर्मल औजार, तो उससे इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, हटाने के बाद उनको काला चश्मा दिया जाता है, ताकि अगर अचानक से हटेगा तो उनको अचानक से बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, हो सकता है इसका इफेक्ट भी उन पर पड़े, इसलिए काला चश्मा देते हैं। ठीक है, ताकि इनको धीरे 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 महसूस हो कि हम हमें फ्रेश दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन इलाज क्या है, ऑपरेशन ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन का हिंदी हुआ। जैसे एक्चुअली हम लोग जनरल लाइफ में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, जैसे क्योंकि कोई भी अनपढ़ क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन फिर भी यही बोलेगा कि ये रोड जो है कहाँ जाए चल जाएगा, या यह कौन सा रोड है, या रोड क्या है, रोड इज इंग्लिश वर्ड, लेकिन उसका हिंदी क्या होता है, सड़क। लेकिन कोई बोलता है कि ये सड़क कहाँ चल तक जाएगी, या ये सड़क का नाम क्या है, ये सड़क कौन सा है, ये किस गांव का सड़क है, ऐसे तो नहीं बोलता। तो उसी तरीके से हम लोग भी प्रैक्टिस हो गया है, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, तो ऑपरेशन इज अ इंग्लिश वर्ड, इसका हिंदी क्या होता है, शल्य चिकित्सा। तो याद रखिएगा कि मोतियाबिंद का जो इलाज है वो शल्य चिकित्सा द्वारा ही किया जाता है। तो लिखा जाए, मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा के द्वारा ही मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सक के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। फिर लिखा जाए, नेक्स्ट एरो, मोतियाबिंद के कारण दृष्टि में कमी या दृष्टि बाधित हो जाता है, या दृष्टि बाधित हो जाता है। चलिए, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मोतियाबिंद के कारण होता क्या क्या है। तो मोतियाबिंद के कारण, जैसे आपको मोतियाबिंद होगा तो दृष्टि में तो कमी हो जाएगा, यानी कि कम दिखेगा धीरे धीरे। जैसे मान लिया कि एक बैग थोड़े ना माड़ी छा जाता है इस ब्लैक वाले पे, धीरे 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 छाता है, इसलिए आपको धीरे 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 धुंधला नज़र दिखाई देने पड़ता है। और फिर अगर ऐसा टाइम आएगा कि अगर पूरा का पूरा ब्लैक वाला आपका पूरा माड़ी से छा जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि फिर आप अंधे भी हो सकते हैं, दृष्टि बाधित, बाधित का मतलब बिल्कुल खत्म दृष्टि, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए समय रहते हुए भी बुजुर्गों को मोतियाबिंद का इलाज कराने से पहले एक बार चेकअप कराना चाहिए कि आखिर उनको मोतियाबिंद है या नहीं है, है तो अभी ऑपरेशन करने लायक है या नहीं है, क्योंकि उसमें भी सिचुएशन होता है। डायरेक्टली अगर माड़ जैसा दुधिया रंग का अगर छा गया तो तुरंत मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए कंडीशन है कि किस अवस्था में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना चाहिए, तो इसके लिए डीपली अब डॉक्टर से जाने। लेकिन हम आपको यही बताना चाहेंगे कि मोतियाबिंद के बारे में कि यह एक अधिक आयु का उम्र में रोग होता है, और इसमें दृष्टि कम पड़ जाता है, या अगर आप ऑपरेशन पर ध्यान नहीं देंगे, उनको अनसुना करेंगे, तो बाद में ये आपका अंधा भी बना सकता है, क्योंकि पूरे तरीके से आपको कवर कर लेगा, आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा।
ठीक है। तो और इसका जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। तो दोस्तों समंजन क्षमता के बारे में हम लोगों को इतना ही टॉपिक्स पढ़ना था। ये हम लोग समंजन क्षमता के बारे में टोटल ख़त्म हो गया टॉपिक्स। अब हम लोग नोट में करके कुछ बात लिखेंगे। तो इस नोट्स वाले जो पॉइंट्स है उसको हम लोग अगले दिन समझाएंगे और अगले ही दिन नोट करवाएंगे। तो दोस्तों नोट के कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है उसको हम लोग करेंगे अगले दिन। तब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।